हेलो इंजीनियर तीसरे साथी। तो आज आपके लाए हैं होममेड टैबलेट बनाएंगे, जो टैबलेट के जरिए हम लोग अपने खुद का सॉफ्टवेयर इसमें डालेंगे। टैबलेट पर डालने के बाद इसके जरिए ब्लूटूथ के जरिए हम लोग जो कि होम एम्प्लाइन जो है मतलब घर के लाइट फैन टीवी वगैरह सब कुछ हम लोग इसी टैबलेट के जरिए हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर होगा, वो भी बिना प्रोग्रामिंग के। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आसानी से इसके जरिए आप लोग जो कि कोई भी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए ये जो टैबलेट है इसको हम लोग आसानी से किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय stoneitech.com। स्टोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले। इस पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा इंडस्ट्रियल टाइप, एडवांस टाइप, सिविल टाइप, और इस पर कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले का साइज सिलेक्ट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। तो अभी ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये बहुत ही इजी से मैंने बनाया है, आप भी आपके घर पे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं इसी टैबलेट को हम लोग बनाएंगे, साथ में ये जो सर्किट है इसको भी हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो इस टैबलेट के जरिए हम लोग ब्लूटूथ के जरिए हम लोग ये सर्किट को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे मैंने चार जो कि लाइट लगाया है जो कि चारों को हम लोग कंट्रोल करेंगे इसी टैबलेट के जरिए। तो अभी इस टैबलेट को हम लोग पावर देते हैं, पावर देने के बाद आपको दिखाते हैं इसका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से मैंने बनाया है। तो अभी इसमें पावर आ गया है तो ये ऑन हो रहा है। तो इस पर ऑन होने के बाद आपको दिखाई देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को मैंने बनाया है, अपने तरीके से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्विच के जरिए चारों को कंट्रोल किया है, अभी एक एक करके ग्लो करके आपको दिखाते हैं। तो ये एक नंबर ऑन हो गया है, अभी देखिए दो नंबर को ऑन करते हैं तो दो नंबर ऑन हो गया है, दो नंबर को बंद करते हैं, अभी तीन नंबर को ऑन करेंगे तो तीन नंबर ऑन हो गया है, तीन नंबर को बंद करते हैं तो ये बंद हो गया है, अभी चार नंबर को ऑन करेंगे तो चार नंबर को फिर से बंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अपने घर पे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को हम लोग आसानी से बना सकते हैं सर्किट के साथ। तो अभी चलिए हम लोग ये जो टैबलेट है इसको किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। अभी इस डिस्प्ले पे हम लोग सॉफ्टवेयर को अपलोड करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को अपलोड किस प्रकार से करते हैं मेरे वीडियो पिछला वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से इसका सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से सॉफ्टवेयर को बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप प्रोग्रामिंग बना के इसको अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ऊपर आइकन बटन में अगर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो अभी देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को बना दिया है, अभी इस पर इनपुट दे दिया, 12 वोल्ट का इनपुट दे दिया है मैंने, और यूएसबी कंप्यूटर से यूएसबी हम लोग लगाएंगे। तो यूएसबी एक लगा दिया और एक यूएसबी कंप्यूटर का दो यूएसबी हम लोग इस पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक यूएसबी, यहाँ पे के एक यूएसबी, ठीक है। तो दो यूएसबी मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। अभी सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जो स्विच आप दिख रहे हैं, यहाँ पे इस यूएसबी के साथ एक स्विच दिख रहा है,
इसको हम लोग सिर्फ ऑन कर देना होगा जो कि सॉफ्टवेयर डाटा इनपुट के लिए। तो इसको हम लोग अभी देखिए ये ऑन लिखा रहे, तो हम लोग इसको वन पे लेके आएंगे, आने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो वन पे लेके आते हैं, तो वन पे आ गया है। अभी इस पर 12 वोल्ट का इनपुट देंगे, देने के बाद हम लोगों को जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कंप्यूटर पे लगाने के बाद जिस प्रकार से फाइल ओपन होते हैं उसी प्रकार से एक फाइल ओपन होगा, वहां पे जाके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो अभी अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया है, अभी हम लोग इसका पावर को ऑन करते हैं। तो पावर ऑन कर दिया, देखिए जो सॉफ्टवेयर मैंने इस पर अपलोड किया है वही सेम टू सेम सॉफ्टवेयर इस पर आ जाएगा। तो ये सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करने से देखिए यहाँ पे आ गया है, तो टच करने पर ये काम करेगा, देखा आपने। तो इसी स्विच के मदद से प्रोग्रामिंग करके हम लोगों को जो आर्डिनो है आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका जो आर एक्स टी एक्स कनेक्ट करके हम लोग किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वायरलेसली ऑन ऑफ करेंगे, मतलब इसके अंदर एक ब्लूटूथ लगा देंगे। लगाने के बाद हम लोगों को एक सर्किट बोर्ड पे लगाना होगा, उसी बोर्ड पे सर्किट लगा के हम लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना होगा, करने के बाद हम लोगों को ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा। तो अभी चलिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए फिट करते हैं बोर्ड। अभी तो आपने देखा है टैबलेट को किस प्रकार से हमने बनाया है। इसके अंदर मैंने एक जो कि आर्डिनो लगाया है, आप आर्डिनो लगा सकते हैं, मैंने इस पर माइक्रो कंट्रोलर फिट किया है, ठीक है। तो आप आर्डिनो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगाने के बाद इसके अंदर मैंने और एक चीज लगाया है जो कि ब्लूटूथ एक मॉड्यूल लगाया है, जो कि HC05 का मॉडल का ब्लूटूथ लगाया है जिसको मैंने मास्टर किया है। और स्लेव का जो ब्लूटूथ होगा वो होगा जो हम लोग लाइट के अंदर जो लगाएंगे वो सर्किट पर हम लोग जो कि स्लेब को लगाएंगे, और इस डिस्प्ले के जरिए हम लोग उसी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करके हम लोग आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी चलिए जो मैंने जो बोर्ड पे लगाने के लिए जो सर्किट बनाए हैं उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए उसको पहले बना के हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, जिस सर्किट को हम लोग बोर्ड पे लगाएंगे जिसके जरिए जो कि लाइट फैन ऑन ऑफ कंट्रोल होगा। इस पर मैंने एक ब्लूटूथ लगाया है, तो टैबलेट के अंदर एक ब्लूटूथ है जो कि मास्टर है, और इसी ब्लूटूथ को हम लोग स्लेव बनाया है। अगर मास्टर ब्लूटूथ और स्लेव ब्लूटूथ किस प्रकार से बनाना पड़ता है अगर आपको सीखना है कमेंट पे लिखिएगा। और इस पर एक मैंने माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, आप आर्डिनो भी लगा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करते हैं 12 वोल्ट से, तो 12 वोल्ट से ये कंट्रोल होगा और स्विच के जरिए हम लोग आसानी से किसी भी लाइट फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी चलिए इसको टेस्ट करते हैं, जो कि टैबलेट है, टैबलेट के जरिए हम लोग टेस्ट करेंगे। इसको पहले हम लोग फिट करके उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग एक टैबलेट बना सकते हैं, इसके अंदर का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और इसके जरिए कोई भी लाइट फैन वगैरह हम लोग
कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।